पूरे मंच के लिए। मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए सभा बुलाई गई थी जिनके आधार पर हमको गर्व होता है, कितना आनंद आता है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक कदम पे कितना आनंद आता है पूरे देश को, और देश को तो क्या, दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये चुनाव किसका हो रहा है और जिनका चुनाव हो रहा है उनका चयन कैसा होता है, चयन का उदाहरण देखो आप तो। हां, हमको लगता है कि 56 इंच का सीना हमारा हो जाता है। देश का गृहमंत्री बच्चा बोल उठेगा, अमित शाह बनेगा, क्या काम करते, कैसे काम करते हैं। हम दुश्मन को मारने जाए न जाए, पता नहीं क्या जादू होता, दुश्मन के देश में हमारे दुश्मन अपने आप मरते जाते हैं। ऐसा कमाल तो कहीं देखा ही नहीं हमने। कितना समय अच्छा चल रहा है, दुश्मन के देश में हमारे दुश्मन अपने आप मर रहे हैं। ये तो आनंद हमारे अपने देश का ही महसूस हो सकता है। और देश के अंदर के दुश्मन वो भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि नाम अमित है, मीत के लिए जान हाजिर है, और दुश्मन के लिए हमने देखा काल के कराल के भाल पर किसी का नाम लिखा है तो देश के गृहमंत्री का नाम लिखा है, जो देश के दुश्मनों को कहीं छोड़ने वाले नहीं है। हमारे सौभाग्य की बात है, आज उसकी मेरी जो जानकारी कल आई कि कोई कारण किया है, जब छत्तीसगढ़ में हूं तो आपकी लोकसभा में आता हूं, ऐसा जो कहीं जानकारी है। काल के प्रवाह में ऐसे कई घटनाक्रम घटे हैं हमारे देश के अंदर, जिनको उदाहरण सहित देखो तो समझ में आएगा। वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले मैं छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए बधाई देना चाहूंगा। हमने लगा के यार बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह इतना जोरदार काम कर रहे विष्णु भैया के, कई बार मन में लगता कि थोड़ा धीरे, बगल में मध्य प्रदेश भी आपके लिए तैयार है स्वागत करने के लिए। ऐसी सरकार बनती है, ऐसी सरकार बनती है कि लगातार बोनस, हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। और दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्या मालूम कहां से जादू से पैसा लाए कि दिल खोल के बांट दिया अपने प्रदेश के लिए। जोरदार ताली बजाओ पूरी सरकार के लिए। ये होती है सरकार और ये होता दिलदार, और ये सृष्टि विष्णु भगवान के नाम पे चलती। और आपका भाग्य इतना के विष्णुदेव साय आपके मुख्यमंत्री हैं। और आज के इस दौर में हम जब सरकार की बात करने आए तो सरकार का ही चयन होने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर मुझे खुशी है इस बात की, क्या छत्तीसगढ़ पूरी की पूरी हो गई जड़ से, अते पते नहीं लग रहा है कहां की कांग्रेस, पूरी की पूरी कांग्रेस साफ। पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी बात करते थे भैया, उन्हों कौन कौन सी भाषा बोलते थे। हमारे यहां तो 13 महीने में धड़ाम हो गए, ज्यादा दिन नहीं लगे, अपने वजन से ही गिर गए। और आपके बगल में राजस्थान में इधर बना, इधर खींचे, उधर खींचे, इधर खींचे, उधर खींचे, 5 साल कहां गए पता ही नहीं चले, अपने आप गिर पड़े। लेकिन ये खाने की बात चल रही थी, क्या क्या खा गए, कोयला खा गए, बोल लो खा गए कि नहीं खा गए। अब आप बोलते जाना क्या क्या खा गए, कोयला, गोबर, रेत, आदमी, और तो और कांग्रेस खा गए कि नहीं खा गए, ताली बजाओ, कांग्रेस भी खा गए। खाने की भूख इतनी बड़ी। हमारे यहां नवग्रह में एक राहु देवता है, एक केतु देवता है। वो हमने समझा था कि ये राहु देवता और केतु देवताओं को पहचाना कैसे जाता है, एक की गर्दन नहीं है, एक का धड़ है केवल, ये राहु केतु के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये राहु केतु के बारे में पूछा जाए कि ऐसा होता क्या है, तो मालूम पड़ जाए
कि ये राहु देवताओं को इतनी भूख लगती कि अपना शरीर ही खा जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने जरूर देख लिया कि आपके मुख्यमंत्री कैसे थे कि पूरी पार्टी खा गए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए, आपने पार्टी के साथ प्रदेश बचा लिया। हमारी अपनी पार्टी, विकास करने वाली पार्टी, आप बताओ कोई सरकार कैसी चलाता है? जिस भगवान ने दुनिया के अंदर देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, जिसके लिए कहा है कि अगर कोई जान भी देना चाहे तो जान देने के लिए तत्पर है, लेकिन गोलियां कम हो जाती, इसलिए अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, सुल्तान चले गए, खिलजी चले गए, पठान चले गए, दुनिया से जितने आक्रांत आए सब आके चले गए, लेकिन भगवा का बाल बाका नहीं हुआ, हमें इस बात का गर्व है। इस कारण से हिंदुस्तान जाना जाता है। और ऐसे इस समय में जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया में अयोध्या में जय जय श्री राम हो रहा, बोलो जय जय श्री राम। और अयोध्या में नहीं हो रहा है, अब अयोध्या से अरब तक, कहां है अरब? अबू धाबी। हमने ये चार महीने के अंदर दो चमत्कार देखे। संघर्ष के बाद भगवान अगर अयोध्या में मुस्कुराए तो उसका सबसे बड़ा कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कराने के लिए 56 इंच यशस्वी नरेंद्र मोदी जी थे। नहीं तो इस कवर्धा की धरती से पूछो, यही कितने सारे नादान हैं जिनको यह समझ में नहीं आती है कि वो हिंदुस्तान में है या किस देश में है। जोरदार ताली बजाओ विजय जी का और हमारे नेताओं का जिनने औकात दिखा दी है। यह हिंदुस्तान की धरती है, इस धरती पे भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा का अपमान हिंदुस्तान में हो जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है कि पानी दौड़ रहा है? क्या दौड़ रहा है बताओ? पते नहीं लगेंगे पते भाई साहब। अगर आप उस रास्ते पे जाओगे तो ये भाजपा और कानून की सरकार है। कानून की सरकार में हमने देखा है कि आज के समय में अपने देश